क्या आपको गुरुदेव सुरेश माली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश माली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-243-2625, 9829-02-6625, 8955-89-6625। संपर्क करें 9779801032862। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी प्रबुद्ध नवीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जन्म कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, उनमें से एक समस्या ये भी है कि आज भी लोग दहेज की या दहेज के लालच में अपनी पत्नी को तरह तरह की यात्राएं देते हैं। ताजा आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर 93 मिनट्स में से, यानी 93 मिनट्स में से एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित होते हुए या यूं कहें कि बलि चढ़ते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसा कृत्य करने वाले भूल जाते हैं कि उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटियां हैं। यदि उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा हो तो उन्हें कैसा लगेगा? आज का मेरा कुंडली विश्लेषण एक 28 साल और 4 महीने की बहन पर आधारित है, जिसे पति अपनी शराब की जरूरत को खुद पूरा न कर पाने से दुखी होकर अपनी पत्नी पर तरह तरह के अत्याचार करता है ताकि वह अपने माता पिता से पैसा ला सके, जो कि उसने कई बार अलग अलग तरीके से किया भी है, लेकिन झूठ बोलकर। पत्नी ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को इसलिए सहन किया क्योंकि माता पिता को दुख नहीं देना चाहती थी। अब समस्या यह है कि पत्नी के भाई को जब यह पता चला तो उसने अपने जीजाजी की वो दुनाई की कि जीजाजी हॉस्पिटल में और भाई अभी जेल में है। अब आइए दहेज के अत्याचारों को सहन करती हुई बहन की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और 28 साल और 4 महीने की इस बहन को क्या न्याय मिलेगा या नहीं। आइए एक नजर इनकी कुंडली पर। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो 5 नंबर की कुंडली देख रहे हैं, इसे हम सिंह लग्न की कुंडली कहते हैं। यहां पर लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो कि 4th हाउस में विराजमान है। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल के साथ स्वग्रही और एक कंजंक्शन जो कि योग बनता है, मंगल और सूर्य का परिजात योग। यहां पर मंगल स्वग्रही विराजमान हो तो रोचक योग बनता है और सूर्य मंगल से एक अनूठा योग बनता है। आप मंगली हैं और हो सकता है कि आपके पति ना हो, इसलिए मंगली और नॉन मंगली की शादी के लिए मना करते हैं। इसके लिए पूरी जानकारी के लिए आप हमारी मंगली रहस्यम सीरीज को यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस मंगली की वजह से भी कारण हो सकता है कि तनाव हो। वहीं आपके 12th हाउस जो कि नाश का, कोर्ट कचहरी का, लीगल कॉम्प्लिकेशन का, अत्याचार का होता है, वहां केतु विराजमान है, वो वैसे ही खराब है 12th हाउस में। और केतु की पांचवी दृष्टि मंगल पर और सूर्य पर है। मंगल को हम अपने मैरिटल लाइफ से जोड़ सकते हैं। 7th हाउस यानी कि पति का घर होता है, पति भाव के लॉर्ड यहां पर बनते हैं शनि, वो 5th हाउस में विराजमान है बुध के साथ, और शनि की तीसरी दृष्टि 7th हाउस पर है। 5th और 8th हाउस के लॉर्ड गुरु बनते हैं जो कि 11th हाउस में बुध के घर में विराजमान है, लेकिन वक्री होकर विराजित। एक तो वैसे 11th हाउस में गुरु अच्छे नहीं होते और वो भी वक्री। मैरिज और मैरिटल लाइफ को काफी हद तक गुरु से देखा जा सकता है, जो यहां पर कमजोर परिस्थिति में है। वहीं बुध पहले से ही 5th हाउस में गुरु के घर में होने से गुरु और बुध का परिवर्तन राजयोग बन गया, जिस वजह से गुरु का वक्री होना या शत्रु घर में बैठना काफी हद तक ठीक हो जाता है। गुरु की सातवीं दृष्टि 5th हाउस और नवमी दृष्टि पति सुख के भाव पर होने से और मंगल की चौथी दृष्टि 7th हाउस पति के घर पर होने से आपके लिए यहां पर शुभ और अशुभ दोनों योग और दोष बन रहे हैं, अतः मिले जुले फल प्रतिपादित होंगे। परंतु पति भाव के स्वामी शनि 5th हाउस में पाप कर्तृ दोष में ग्रसित है। यहां जहां 9 नंबर लिखा है वहां पर शनि है, पीछे मंगल और आगे राहु विराजमान है, पाप कर्तृ दोष। आपका मंगली होना तथा जो मुझे मुख्य कारण लगता है वो यह है कि आपके और पति की कुंडली का न मिलना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। 3rd हाउस व 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, मैरिटल लाइफ के कारक होकर
सिक्स हाउस में राहु के साथ विराजमान है। ऐसे लोगों को पति सुख तो मिलता है, लेकिन पति से सुख जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको संतान हो गई, पर संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिफरेंट। तो यहां पर शुक्र राहु की युति कमजोर है। ट्वेल्थ हाउस में विराजित केतु की सातवीं दृष्टि भी शुक्र पर होना यह संकेत देता है कि मैरिटल लाइफ कमजोर रहती है। आप आज तक अत्याचार और मानसिक अशांति सहन करती रही और शायद आगे भी करेंगी। इसका मुख्य कारण है ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड चंद्रमा नाइन्थ हाउस में विराजमान है, जो कि केमद्रुम दोष बना रहे हैं। यानी चंद्रमा के साथ कोई नहीं, आगे कोई नहीं और पीछे कोई नहीं, ये भी आपको सहन करवाता रहेगा। और महिलाओं ने सदा से सहन किया है और आगे भी जब तक आप डरती रहेंगी सहन करती रहेंगी। आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा एक भेड़चाल चल रही है हिंदुस्तान में या विश्व में कहें कि महिलाएं पुरुषों जैसा बनना चाहती हैं। क्या कारण है, पुरुष जैसा क्यों बनना है? महिला महिला है, उसे अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए, किसी से कंपेयर क्यों करना है? एक महिला पुरुष के जैसा जीवन जिए तो वाहवाही होती है, पर अगर एक पुरुष महिला जैसा जीवन जिए तो ये भेदभाव क्यों? इस पर कभी और चर्चा करेंगे। जीवन की सबसे बुरी दशा आपकी अभी चल रही है, बहुत सावधान रहना होगा वरना पति के अत्याचारों से आपकी जान भी जा सकती है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको नवमांश कुंडली के बताना चाहता हूं, जिससे स्थिति को और ज्यादा क्लियर किया जा सकता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तीन नंबर की कुंडली है मिथुन लग्न, और लग्नेश बनते बुध वो सेकंड हाउस में विराजमान है, वो भी नीच राशि के मंगल के साथ और शत्रु चंद्रमा के घर में। यह एक बहुत बड़ा आपका वीक पॉइंट है। थर्ड हाउस जो कि भाई का होता है, जो अभी फिलहाल जेल में है, वहां विराजे हुए राहु की पांचवी दृष्टि पति भाव पर है। पति भाव फिर से केमद्रुम दोष में है, यानी जहां नौ नंबर लिखे हुए चंद्रमा अकेले, पीछे कोई नहीं आगे कोई नहीं। भाई के घर में राहु, भाई को पहुंचाया जेल में। पति के घर में केमद्रुम दोष, पति को पहुंचाया हॉस्पिटल में। तथा पति भाव के लॉर्ड गुरु भाग्य स्थान में सूर्य के साथ अस्त है, केतु के साथ चांडाल दोष, तथा भाग्य स्थान में चार चार प्लैनेट जो है सूर्य बृहस्पति शुक्र और केतु, या गुरु केतु का चांडाल दोष, ये दर्शाता है कि जीवन में आगे भी अंधकार रहेगा। आपके माता पिता को आपके खुद के कुंडली का उपाय बचपन में ही कर लेना चाहिए था, और पूरी जांच पड़ताल कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं करनी चाहिए। कई बार माता पिता अपनी जरूरतों को या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बच्चों की शादियां जल्दी या समय पर कर लेते हैं बिना जांच पड़ताल किए, और बाद में ऐसी नौबत आने पर माता पिता बच्ची को यही कहते हैं बेटा सहन करो, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। इस वजह से कई ऐसी माताएं और बहनें आज जिंदा नहीं है, क्योंकि सहन करते करते उन्होंने आत्महत्या कर ली या फिर पति के अत्याचारों से उनकी मृत्यु हो गई। काश माता पिता अपनी बेटी के दोषों का उपचार बचपन में ही करवा लेते, लेकिन अफसोस ये नहीं हुआ। आपकी कुंडली तो कमजोर है ही, परंतु विवाह शायद कुंडली मिलान के बगैर ही हुआ है। 5 जून 2020 तक आपका भाग्य उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर है। पति से दूर रहें या पति को बड़े बुजुर्गों समझाइश से काम लें, वरना आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। हो सकता है पति हॉस्पिटल से निकलकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए आप या आपके परिवार को कोई चोट पहुंचा सके, अतः सावधान रहें। मैं आपकी सुरक्षा और आगे दांपत्य जीवन को ठीक करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूं, जिनका सहारा लेकर आप काफी हद तक स्थिति को ठीक कर सकती हैं। दांपत्य सुख प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सोमवार बिल्व पत्र के 3 पत्तों पर अपने पति का नाम गौरवचन हल्दी का घोल बनाकर मोर पंख की कलम से चांदी के डिबिया में डाल देना चाहिए, और इसे माता के चरणों में रख दें, और बाद में एक वाला जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसका करना है। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही, ऐसा लगातार 21 सोमवार करना है। दाम्पत्य सुख में सुरक्षा प्राप्त होगी, और दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना करें। बहन जी आपको सुरक्षा काफी हद तक मिल जाएगी। तो यह था इनकी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण। जन्म कुंडली का निर्माण हम सबके जिंदगी में खुशियों की एक चाबी है। हम सब जन्म कुंडली बनाते तो जरूर हैं, लेकिन उसे हमें देखना नहीं आता है। इसका एक आसान तरीका हमने खोज निकाला है। हम बनाएंगे आपकी जन्म कुंडली। 9 ग्रह 27 नक्षत्र कुंडली के 12 भाव और 12 राशियों पर आधारित ज्योतिष वह ज्ञान है जो हमें भविष्य के बारे में तो जानकारी देता ही है। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि बरसात में छाता हमें भीगने के बाद याद आता है। हम आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बताते हैं कि आपकी कौन सी दशा अच्छी रहेगी और कौन सी बुरी, और क्या उसका उपाय किया जा सकता है।
कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे वो सब्जेक्ट लेते हैं, जिन सब्जेक्ट को लेने के बाद उसकी पढ़ाई करने के बाद वैसी जॉब नहीं मिलती है। तो क्या कारण है कि हमने कहीं गलत सब्जेक्ट का चयन तो नहीं कर लिया? हमें नौकरी करनी होती है लेकिन हम बिजनेस करके घाटा खाते हैं, हमें बिजनेस करना होता है लेकिन हम नौकरी कर रहे होते हैं, हम शादी का मुहूर्त जाने बिना शादी कर लेते हैं, कुंडली का मिलान किए बिना शादी कर लेते हैं। ऐसे चंद तमाम प्रश्नों के जवाब हम देंगे आपकी जन्म कुंडली का निर्माण करके। आप वो सब कुछ इस जन्म कुंडली से जान पाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। जन्म कुंडली के निर्माण के लिए आप हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद के द्वारा बनती है जन्म कुंडली, जिससे हमारे जीवन में रिद्धि और सिद्धि आती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-243-2625, 9829-02-6625, 8955-89-6625। संपर्क करें 9779801032862।